लालू प्रसाद यादव बुधवार को एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स के सवालों पर भड़क गए। एक रिपोर्टर को अपशब्द कहे तो दूसरे को मारने की धमकी दी। दरअसल रिपोर्टर्स ने लालू से बेनामी प्रॉपर्टी के मामले में उनके परिवार का नाम आने से शहाबुद्दीन से उनके रिश्तों पर सवाल किए थे। लालू यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए यूपीए की बुलाई गई मीटिंग में पहुंचे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे लालू से एक चैनल के रिपोर्टर ने पूछा, हेमा यादव को जो हृदयलाल चौधरी ने प्रॉपर्टी दी है, इसमें हृदयलाल से आपका क्या संबंध है? रिपोर्टर ने कहा कि हमारी नौकरी आराम करने की नहीं, सवाल करने की है। इस पर लालू ने कहा कि आपके सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं। रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आप घोटाले पर घोटाले करेंगे और हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। इस पर लालू ने कहा कि आप घोटालेबाज हो, मोदी से सुपारी पैसा लेते हो। रिपोर्टर ने लालू से पूछा कि शहाबुद्दीन से आपके क्या संबंध है? इस पर पहले तो उन्होंने मना किया कि हाँ संबंध है, लेकिन बार बार सवाल करने पर वो भड़क गए और रिपोर्टर से यह तक कह दिया कि अपने बाप से जाकर पूछो। एक न्यूज चैनल के दूसरे रिपोर्टर ने बाद में संसद परिसर में लालू से सवाल किए। रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उनके जेल में बंद शहाबुद्दीन से संबंध है? इस पर उन्होंने कहा, हाँ है, वो हमारी पार्टी में है। जेल में बंद होने के बावजूद शहाबुद्दीन से फ़ोन पर बात करने और उसका टेप होने के सवाल पर लालू ने कहा, टेप चलाते रहो, हरी के भजन गाते रहो, नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर खाते रहो। एयरपोर्ट पर रिपोर्टर से बदसलू के सवाल पर लालू फिर भड़क गए, कहा कि गलत बात कर रहे हो, दे देंगे दो मुक्का, नाच कर गिर जाओगे। नेक्स्ट नाइन न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।